कुछ खबरें होती कुछ और हैं, पर परोसी कुछ और जाती हैं, जिसे हम फेक न्यूज के नाम से जानते हैं। तो चलिए ऐसी ही फेक न्यूज जिनसे हम आपको आज रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक शख्स को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। एक डॉक्टर उस शख्स को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं रुकते और उसे बेरहमी से पीटते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में पीटते हुए शख्स का नाम आसिम कुरैशी है और यह वीडियो निजामाबाद अस्पताल का है, जहां वो शख्स पेशेंट की ऑक्सीजन को बंद करके उनकी हत्या कर रहा है, जिससे उसका एम्बुलेंस का बिजनेस आगे बढ़ सके। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इसे हर जगह खंगारा तो ये सामने आया कि यह वीडियो महाराष्ट्र के जलना दीपक अस्पताल का है, जहां 9 अप्रैल को पुलिस भाजपा के युवा नेता शिवराज नारियलवाला को पीट रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मरीज की मौत के बाद शिवराज और मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, इसीलिए अस्पताल से निकालने के लिए उनपे बल प्रयोग करना पड़ा। तो साफ है कि वायरल वीडियो में किया जा रहा है ये दावा बिल्कुल गलत है। उस शख्स का नाम आसिफ नहीं बल्कि शिवराज नारियलवाला है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी फेक न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशाल आकार का चंद्रमा निकलते हुए दिख रहा है और थोड़ी देर में ये चंद्रमा सूरज को ढकते हुए नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 2021 के चंद्र ग्रहण का है और इसे रूस और कनाडा के बीच आर्कटिक में देखा गया है। होक्स आई के मुताबिक यह वीडियो पूरी तरीके से एनिमेटेड है। इस वीडियो को एलेक्से नाम के सीजीआई आर्टिस्ट ने अपने टिकटॉक अकाउंट पे पोस्ट किया था। तो साफ है कि ये वीडियो पूरी तरीके से एनिमेटेड है। CGI टेक्निक की मदद से बनाया गया है। वायरल वीडियो में किया जा रहा है दावा बिल्कुल गलत है कि ये किसी चंद्र ग्रहण का वीडियो नहीं बल्कि एक एनिमेटेड वीडियो है।